हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ पपाया शेक। इसको पपाया स्मूदी भी कहते हैं। ये सेहत के लिए बहुत हेल्दी भी होता है। उसके लिए मैंने एक कप पपीता लिया है। इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। 4 चम्मच पीसी हुई चीनी, 1/2 चम्मच मैंने इलायची पाउडर ली है, 1 चम्मच टूटी फ्रूटी और 1 कप मैंने आइस के टुकड़े लिए है और 1 कप दूध। सबसे पहले मिक्सी का जार लूँगी मैं, उसमें पपीते के टुकड़े डाल लूँगी। चीनी, इलायची पाउडर और थोड़ा सा दूध, बाकी दूध बाद में डालूंगी मैं। अभी इसको अच्छे से मैश कर लेना है। मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया है, देखो। अभी इसमें आइस क्यूब डालूंगी, दूध। अभी इन चीज़ों का अच्छे से फेंट लेना है एक बार। तो देखो, ये अच्छे से स्मूदी भी हो गया है। हमारा पपाया शेक बन के अभी तैयार है। तो इसको मैं एक ग्लास में सर्व कर लेती हूँ। अभी इनको चेरी से गार्निश कर लूंगी। और इलायची पाउडर से भी गार्निश कर दूंगी इसको। तो पपाया शेक बनके तैयार है। वाकई पीने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो कैसी लगी मेरी पपाया शेक की रेसिपी? अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर करना, साथ में कमेंट भी करना। और मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू।